लोकसभा चुनाव का माहौल है पूरे देश में और देखा जा रहा है कि हर पार्टी किसी न किसी तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है, चाहे वो चुनाव प्रचार हो या फिर अपने मैनिफेस्टो की बात हो। हाल ही में बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। यहाँ पर बीजेपी ने किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों तक के लिए कुछ ना कुछ नया लाया है। लेकिन इससे पहले, मैनिफेस्टो लॉन्च से पहले, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यहाँ पर बीजेपी के 5 सालों के कार्यकाल में किए गए कामों को गिनवाया है और लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा अमित शाह ने। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है गैस के सिलेंडर, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियतों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे, इसका प्रयास किया है और ये सफल प्रयास है। आज देश के अधिकांश घरों में बिजली पहुंच चुकी है, 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंच चुके हैं, 2.5 करोड़ लोगों को घर का अलॉटमेंट हो चुका है, 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को संभालने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर हम आगे बढ़े हैं, 12 करोड़ किसानों को इनपुट सपोर्ट देने की वैज्ञानिक व्यवस्था, सीधे इसके मोबाइल पर 6,000 रुपया ट्रांसफर हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंसीडर करना पड़े, दुनिया भर के अर्थ जगत के पंडितों को कंसीडर करना पड़े, इस तरह का सुधार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े फोर कॉर्नर्स के अंदर है और बहुत अच्छे तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी, आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ढेर सारे कदम भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक के माध्यम से जो इस देश के अंदर विगत 30 सालों से आतंक फैलाकर दूर से देखकर आनंद लेते थे, आतंकवाद का मूल जहां पर है वो मूल पर घा करने की नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और इसके कारण आज 125 करोड़ का यह देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न केवल देश, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता, ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत कोई मैटर नहीं करता था। 2004 से 2014 10 साल के कालखंड में भारत का गौरव दुनिया के अंदर धीरे 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 नीचे जाता था। ये 5 साल के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण मसला हो, देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, देश के प्रधानमंत्री का रुख क्या है, भारत सरकार का मंतव्य क्या है, इसके मायने पूरे देश फिर पूरी दुनिया के अंदर बहुत बदले हुए नजर आते हैं। मैं मानता हूं इस बात के साथ देश के 125 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं और हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक भी गबला, घोटाला, भ्रष्टाचार, इसका आरोप भी न लगे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चली। मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को
साच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास। तो सुना आपने अमित शाह को और देखा कि कैसे अमित शाह ने वो सारी ही चीजों की गिनतियां की हैं जो मोदी सरकार ने अब तक अपने 5 साल के कार्यकाल में करवाया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के मैनिफेस्टो के बाद से क्या जनता कांग्रेस को चुनती है या फिर बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से इनका मैनिफेस्टो आया है उससे कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका कांग्रेस को जरूर लगा होगा, क्योंकि जिस चीज पर कांग्रेस मोदी सरकार को हमेशा से ही घेरती हुई आई है वो है किसानों का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा। तो ये दोनों ही चीज बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिख रही है, तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाएगा तो क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बैठती है या फिर कांग्रेस की। SBN 9 न्यूज से अनुश्रुति की रिपोर्ट।